दुनिया में आईफोन के दीवानों की कोई कमी नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एप्पल का नया फोन आते ही बुकिंग्स फुल हो जाती हैं। लोग फोन खरीदने के लिए कंपनी के स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। आईफोन की टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी और कैमरा क्वालिटी के लोग कायल हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ भी लोगों में आईफोन का काफी क्रेज है। इसे देखते हुए एप्पल ने आईफोन यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने इंडिया में पहली बार अपना रिटेल स्टोर खोल दिया है, जिसकी शुरुआत मुंबई में की गई, जबकि दूसरा स्टोर दिल्ली में खोला जाएगा। दोनों रिटेल स्टोर पर कस्टमर्स को एप्पल की बेहतरीन सर्विसेज का फायदा मिलने वाला है। मुंबई के एप्पल बीकेसी की ओपनिंग 18 अप्रैल को हुई, वहीं दिल्ली के एप्पल साकेत का उद्घाटन 20 अप्रैल को किया जाएगा। ये दोनों रिटेल स्टोर इंडिया में एप्पल की बढ़ती मौजूदगी दर्ज कराएंगे। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भी इंडिया की तारीफ की है। खासियतों पर ध्यान दें तो एप्पल रिटेल स्टोर पर कस्टमर्स कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस भी लिया जा सकता है। अमेरिकी टेक कंपनी इंडियन कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस उपलब्ध कराएगी। ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि एप्पल के तो पहले से ही इतने सारे स्टोर्स भारत में मौजूद हैं, तो ये पहला कैसे है? तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल वो सभी थर्ड पार्टी के जरिए खोले गए एप्पल स्टोर्स हैं, लेकिन ये एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शुरू हुए इस एप्पल स्टोर में एक डायनामिक स्पेस मिलेगा, जहां कस्टमर एप्पल के प्रोडक्ट्स और सर्विस का एक साथ लुत्फ उठा पाएंगे। इतना ही नहीं, एप्पल ट्रेनिंग सेशंस के जरिए आप एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे से चलाना भी सीख सकते हैं। माया नगरी के एप्पल बीकेसी दुनिया में मौजूद मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट एप्पल स्टोर है, जहां डेडिकेटेड सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और इस स्टोर को चलाने में फॉजेस फ्यूल्स का शून्य इस्तेमाल होगा, यानी फॉजेस फ्यूल्स का कोई काम ही नहीं है। पूरा स्टोर 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। यहाँ आने वाले विजिटर्स लेटेस्ट आईफोन, मैक, आईपैड, एयरपॉड्स, एप्पल वॉच और एप्पल टीवी लाइनअप्स के साथ एक्सेसरीज जैसे एयरटैग को देख और इस्तेमाल भी कर सकेंगे। एप्पल बीकेसी में आपको 100 से ज्यादा टीम मेंबर्स मिलेंगे, जो 20 से ज्यादा भाषाएं बोल सकेंगे। तो देखा आपने, कभी चीन और ताइवान जैसे देशों में एप्पल रिटेल स्टोर को स्थापित करने वाली कंपनी आज भारत की ओर रुक कर रही है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।